पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह के कथित ठुमका कमेंट पर बवाल मचा हुआ है। टीएमसी सांसदों ने गांधी जी की मूर्ति के सामने गिरिराज सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए विरोध किया। वहीं टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की इस पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। गिरिराज जी के नाम के पहले वो शांडिल्य लिखते हैं, तो रामधारी सिंह दिनकर के एक मशहूर कविता है, हिंदी कविता, जिसमें वो कहते हैं कि जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा है, समझो उसने हमें यहाँ मारा है और भारत अपने ही घर में हार गया है। तो ऐसे लोग, ऐसे बेशरम मंत्री हमारे जो है, जो एकमात्र महिला मुख्यमंत्री के बारे में ये सब कह सकते हैं, इनके लिए आज भारत की यह हाल है। और ये बीजेपी सरकार, बीजेपी के मंत्रियां, ऑल ऑफ देम, दे आर मिसोजिनस, दे आर पेट्रियार्कल, दे डिसलाइक वुमेन। वो कहीं मान ही नहीं सकते कि एक महिला होकर, जो किसी मर्द के कंधों पे हाथ नहीं देकर, जो अकेले खड़ी होकर आज यहाँ पे पहुंची है, वो हजम ही नहीं कर पाते। आपको लगता है उनको माफी मांगना चाहिए? उनको तो माफी मांगना चाहिए, पर वो इतने बेशरम है तो कभी मांगेंगे नहीं। वो इतने झूठे हैं, सुबह कहते हैं कि हमने, हाँ ठुमका लगा रही है, शाम को कहते हैं कि हमने नहीं कहा। तो ये बेशरम आदमी से क्या एक्सपेक्टेशन है? आपको बता दें कि इससे पहले गिरिराज सिंह का भी बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने सफाई देते हुए कहा था कि उनके बयान को गलत तरह से पेश किया जा रहा है। मेरा ट्वीट आप देखें, मैंने यही कहा है कि वो गलत बयानी कर रहे हैं। मेरे ट्वीट को आप देखिए, मैंने कहा है, ममता दीदी जहां वहां भ्रष्टाचार की आकंठा में डूबी हुई राज्य, जहां के गरीबों का हक छीना जा रहा है और आप जश्न मना रही हैं, तो जश्न मनाना कहना ठुमका है। ये जो वहां के टीएमसी के लोग इसको बढ़ा चढ़ा के लोगों में कंफ्यूजन पैदा करना चाहते हैं,